हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी न्यूज़वन होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप अपना पीएफ के पासबुक में आप अपना पीएफ का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं, या तो फिर पेंशन का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं, या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ के पासबुक में पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा किस प्रकार से चेक करेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे यहाँ पे पहला निशान के पास नजर आता होगा www.epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सब पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे मेन्यू बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों इसी मेन्यू में से आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा ई पासबुक का, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल से दोस्तों आपको ई पासबुक पर क्लिक कर देना है। जैसे ई पासबुक पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे पासबुक वाला सेक्शन खुलकर आ जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ के पासबुक में लॉगिन होना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा यहाँ पे पहला कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता हो साइन इन, तो दोस्तों आपको साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ के पासबुक में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद अब यहीं से आप अपना पीएफ का जो बैलेंस वगैरह होता है वो चेकआउट करने का प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा टोटल अवेलेबल बैलेंस, और यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा 15,472 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो टोटल अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे जो दिख रहा है वो दोस्तों यहाँ पे टोटल पीएफ का पैसा दिखता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने एक कंपनी में काम किया होगा तो एक कंपनी में आपका टोटल पीएफ का पैसा कितना होगा अभी प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। या तो फिर अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया होगा, जैसे दो कंपनी, तीन कंपनी या तो फिर चार कंपनी में आपने काम किया और सभी कंपनी में अगर आपका पीएफ का पैसा होगा तो टोटल यहाँ पे जोड़ करके आपका पीएफ का पैसा यहाँ पे नजर आ जाता है, ठीक है। जैसे सो यहाँ पे मैंने दो कंपनी में काम किया हूँ, दोनों कंपनी में जितना भी पीएफ का पैसा होगा वो यहाँ पे जोड़कर आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर नजर आ रहा है 15,472 रुपए, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे आपको स्क्रीन पर दिखता होगा वो दोस्तों आपका टोटल पीएफ का पैसा होता है जो सभी कंपनियों के यहाँ पे जोड़कर नजर आता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल पीएफ का पैसा है उसमें सो आपका कंपनी का भी शेयर होता है और आपका सैलरी से जो 12% में जमा होता है वो भी यहाँ पर नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखने नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर मतलब आपका सैलरी से जो 12% में जमा होता है पीएफ के पासबुक में वो देख सकते हैं, मेरे केस में यहाँ पे देख सकते नजर आता होगा 1,625 रुपए, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपनी जमा करता है उसे एम्प्लॉयर शेयर कहते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते 13,847 रुपए नजर आता होगा, ठीक है। दोनों अमाउंट जैसे कि 1,625 और 13,847 रुपए दोनों अमाउंट को जब जोड़ देते हैं वही हो जाता है 15,472 रुपए जो टोटल पीएफ का अमाउंट होता है, ठीक है। अब उसे यहाँ पे मेंबर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा मेंबर वाइज बैलेंस। तो सिंपल से आपको मेंबर वाइज बैलेंस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका मैंने दो कंपनी में काम किया हूँ, जिसके वजह से यहाँ पे देख सकते हैं दो मेंबर आईडी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों मेंबर आईडी में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहला मेंबर आईडी में तो कुछ पैसा यहाँ पे देख सकते 15,472 रुपया, जबकि दूसरा मेंबर आईडी से मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 रुपया नजर आता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 0 रुपया नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दोनों अमाउंट जोड़ करके यहाँ पे नजर नहीं आता है। मेरे केस में यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे जो ऊपर है जो पहला मेंबर आईडी में पैसा है वही यहाँ पे केवल दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर दूसरा मेंबर आईडी में यहाँ पे 1 होता तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 3 जुड़ करके आ जाता, ठीक है। 0 है इसलिए यहाँ पे सेम यहाँ पे डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे, मतलब अगर आपके पास दोनों मेंबर आईडी में या तो फिर तीनों मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा होगा तो तीनों मेंबर आईडी में जोड़ने का जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुईगा, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों यहाँ पे टोटल पीएफ का पैसा चेकआउट हो जाता है, कितना टोटल पीएफ का पैसा है, ठीक है। या तो फिर मेंबर आईडी वाइज भी अगर आप अपना पीएफ का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेकआउट हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना पेंशन का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं उसके लिए आपको पासबुक वाला सेक्शन में जाना होगा, ठीक है। जैसे ऊपर में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे मेन्यू बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मेन्यू नजर आता होगा पासबुक का। तो सिंपल से आपको पासबुक पर क्लिक कर देना है।
जैसे सो पासबुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासबुक का सेक्शन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है आपको मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी मेंबर आईडी में अपना पीएफ का पैसा या तो पेंशन का पैसा या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा वगैरह देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए सो यहाँ पे ऊपर में देखिए नजर आता हूँ सिलेक्ट मेंबर आईडी, और यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, तो सिंपल से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेंबर आईडी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब जिस भी मेंबर आईडी में आप अपना पीएफ का पैसा पेंशन का पैसा या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा आपको चेकआउट करना है वो मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे मेंबर आईडी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका ही यहाँ पे पासबुक ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, सबसे मेन पार्ट नीचे ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे जानकारी नीचे ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका पासबुक का डैशबोर्ड यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहीं से आप अपना पीएफ का पैसा पेंशन का पैसा या तो फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए नजर आता होगा इंटरेस्ट डिटेल एनए, मतलब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट इस वर्ष का जो था वो यहाँ पे जमा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनए लिखा नजर आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट अगर जमा हुआ नजर आता होगा तो यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा बनता है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे जमा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पिछला साल अगर मैं 2022 में जाऊंगा तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो जमा हो चुका है, तो वहां पे जो भी अमाउंट होता है इंटरेस्ट का वो यहाँ पर नजर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका जमा हो चुका है तो यहाँ पे जो भी अमाउंट बनता होगा यहाँ पर नजर आ जाता है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों इंटरेस्ट का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करेंगे वो मैंने आपको जानकारी दे दी हूँ। ठीक है, अब चलिए बता देता हूँ किस प्रकार से आप अपना पेंशन का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करेंगे वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके लिए सो सिंपल है, सबसे लास्ट ऑप्शन में आइए, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट कॉलम में यहाँ पे लिखा नजर आता होगा पेंशन शेयर। ठीक है, पेंशन शेयर में जो कंपनी होता है वही पैसा जमा करता है, यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं 8.33% यहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में आपका पेंशन का पैसा कितना है वो आपको चेकआउट करना है। उसके लिए सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा, मेरे केस में यहाँ पर नजर आ रहा है 31,774 रुपया। ठीक है, तो मेरा जो प्रेजेंट टाइम में पेंशन का पैसा है वो है 31,774 रुपया। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे अमाउंट आपको नजर आता होगा वही दोस्तों आपका प्रेजेंट टाइम में आपका पेंशन का पैसा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप अपना इंटरेस्ट अगर जमा हो रखा है तो कितना है, किस प्रकार से बैलेंस वो चेकआउट करेंगे इंटरेस्ट का वो मैंने आपको बता दिया हूँ, साथ ही साथ पेंशन का पैसा कितना प्रेजेंट टाइम है वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए पीएफ का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करेंगे वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर दिखाया था, वहां पे 15,000 कुछ अमाउंट था। ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय शेयर था यहाँ पे आपके पास 13,847 रुपए, जबकि एम्प्लॉय शेयर था 1,625 रुपए। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं वही यहाँ भी डाटा नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर मतलब आपका सैलरी से जो 12% में जमा होता है वो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा 1,625 रुपए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर दिखाया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर नजर आता होगा जो कंपनी द्वारा जमा किया जाता है पीएफ में 3.6%, उसका अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा 13,847 रुपए, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पर दिखाया था। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी डाटा नजर आ जाता है, बस फर्क इतना ही होता है कि फर्स्ट पेज पर आपका सभी मेंबर आईडी का जोड़ कर नजर आता होगा और यहाँ पे जो नजर आता है केवल जो मेंबर आईडी आप सेलेक्ट करते हैं उसका ही यहाँ पे अमाउंट नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएफ अमाउंट हो जाता है, दोनों अमाउंट को आपको जोड़ना होगा, पीएफ अमाउंट इक्वल टू हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर से। ठीक है, दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस। ठीक है, पीएफ का पैसा में आपको दोनों कॉलम को आपको जोड़ना होगा, दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वही दोस्तों आपका पीएफ का पैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आपका पीएफ का पैसा पता चल जाता है, यहाँ से आपका पेंशन का पैसा पता चल जाता है, यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट का जो पैसा अमाउंट जमा होता है वो भी यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट दोस्तों आपका पीएफ में ही जुड़ जाता है। ठीक है, पीएफ का बैलेंस में यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, अब एक और मैं आपके मन में सवाल होगा कि मेरा टोटल बैलेंस कितना है। ठीक है, तो टोटल बैलेंस दोस्तों दो बैलेंस आपको जोड़ना होगा, पहला तो आपका टोटल पीएफ का पैसा जोड़ना होगा और साथ साथ आपका पेंशन का पैसा जोड़ना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोटल बैलेंस इक्वल हो जाएगा ए वाला कॉलम प्लस ए वाला कॉलम प्लस ए वाला कॉलम। ठीक है, तीनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वही आपका टोटल बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल बैलेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे, लेकिन अगर टोटल पीएफ की बात करते हैं तो टोटल पीएफ में दोस्तों आपका ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम केवल जुटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल बैलेंस की बात करते हैं तो पीएफ और पेंशन दोनों जुट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको सबसे इजी और सबसे सरल तरीका से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ किस प्रकार से आप अपना इंटरेस्ट का पैसा पेंशन का पैसा या तो फिर पीएफ का पैसा किस प्रकार से आप अपना पीएफ के पास चेकआउट करेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है, बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।